नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, यानी यहाँ पे हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो लोग उधार लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं और उधार लेने के लिए उन्हें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या उन्हें उधार लेने की वजह से कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं नहीं फंसते, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऋणों को दो वर्गों में बांटा जाता है, यानी जब आप किसी से उधार लेते हो तो उस ऋण को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो औपचारिक क्षेत्रक होता है, या क्षेत्र कह लीजिए, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो अनौपचारिक क्षेत्र होता है। यानी जब कभी आप सरकारी सरकारी संस्था से लोन लो, या सरकारी समितियां, या फिर सरकारी बैंक, या फिर व्यावसायिक बैंक इट मीन्स प्राइवेट बैंक, या फिर कोई भी औपचारिक स्रोत से अगर आप लोन लो, तो वो सारा जो होता है उसे हम औपचारिक क्षेत्र से कहेंगे कि जो लोन लिया गया है वो औपचारिक क्षेत्र से लोन लिया गया है, उधार लिया गया है। दूसरा होता है अनौपचारिक क्षेत्र, यानी जब कभी आप किसी साहूकार से लोन लेते हो, अपने रिश्तेदार या मित्र से, किसी जमींदार से, या अन्य औपचारिक स्रोत से जब आप कभी पैसा उधार लेते हो तो उसे हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। सिंपल है बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे सरकारी एक पर्सन है जिसने बैंक से लोन लिया तो वो क्या होगा? औपचारिक क्षेत्र से। एक अगेन एक पर्सन है जिसने साहूकार से लोन लिया तो वो किस क्षेत्र में आएगा? वो अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे उधार लेना है किसी पैसे से तो मैं कौन से क्षेत्र से उधार लूँ? क्या मैं औपचारिक क्षेत्र से जाऊँ लोन लेने, या फिर अनौपचारिक क्षेत्र को चुनूँ लोन लेने के लिए? इस वीडियो के एंड तक आपको इतनी बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में हमें औपचारिक क्षेत्र से लोन लेना चाहिए या फिर अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेना चाहिए। तो अगर हम देखें आगे, तो इसमें पहला पॉइंट क्या बताता है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई, ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। यानी जो जो भी औपचारिक स्रोत से जो भी चीजें होती हैं उन पे आरबीआई नजर रखता है, देखता है कि ये लोग ऋण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, आरबीआई नजर रखता है कि वास्तव में बैंक नगद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं। जैसे बैंक नगद शेष हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि बैंकों को कुछ हिस्सा जो पैसा जमा करता है, जमा करता वो बैंक के पास जब पैसा अपना जमा करता है तो बैंक वालों को क्या करना होता है, कुछ पैसे बचाकर अपने पास रखना पड़ता है। जैसे 15% आजकल लोग बचाकर बैंक वाले रख रहे हैं, ये चेंज होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत की नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक जो भी पैसा कस्टमर उनका बैंक में पैसा अगर जमा करता है तो उसका 15% हिस्सा बैंक वालों को अपने पास बचाकर रखना है। तो आरबीआई ये देखता है कि एक्चुअली में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताता है कि आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों इत्यादि को ऋण दे रहे हैं। यानी आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक केवल उन लोगों को ही लोन नहीं दे रहा जो बड़े जिनसे उनका बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, जैसे बड़े ट्रेडर्स हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, बड़े व्यवसायिक हो गए, इनसे इनका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो आरबीआई ये देखता है कि केवल इन्हीं लोगों को लोन ना दे, ये गरीब लोगों को भी लोन दे, छोटे उद्योगों को, छोटे कर्मचारियों, छोटे किसानों लोगों को भी लोन मुहैया करवाए। अगर ऐसा नहीं करता तो आरबीआई इन्हें डांटती है। अगला पॉइंट क्या आता है, समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई की यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज दरें क्या है, और समय समय पर जो बैंक वाले हैं वो रिपोर्ट भेजते हैं आरबीआई को, और उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होता है कि हमने लोन इस पर्सन को दिया है, इतना रेट पे दिया है, इतना अमाउंट पे दिया, और इसके लिए हम उससे इतना ब्याज ले रहे हैं। यानी हर एक चीज मेंशन्ड करके आरबीआई को भेजनी पड़ती है, जिससे आरबीआई निगरानी करते हैं कि लोग बैंक वाले कुछ सही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से लोन दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही घपलेबाजी इसमें भी ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके करने वजह से क्या होता है ना कि जो बैंक वाले होते हैं ना, थोड़े डरे सहमे से रहते हैं, यानी एक स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो फालतू की हरकतों करने से डरते हैं। अगला पॉइंट में क्या बताता है
कि औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, उनको नाजायज तरीके से अपना पैसा वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो औपचारिक क्षेत्र होता है, बेसिकली यहाँ पे औपचारिक लिख दिया गया है, वो जो अनौपचारिक होना चाहिए, गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पर। जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें ऐसी कोई भी वो संस्था नहीं होती अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर, जो ऐसी गतिविधियों को नजर रखे कि कितना किसने कितना पैसा दिया है, ऋण की शर्तें क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन और वो पर्सन क्या होता है जो जिस जिसने उधार दिया है, वो उस पर्सन से मनमाने तरीके से वसूल करता है। कभी कभी अपने गुंडे भेज कर उसे वसूलने की कोशिश करता है, या फिर उसे डरा धमका के पैसा वसूलने की कोशिश करता है। लेकिन औपचारिक क्षेत्र में इस तरीके की हरकतें नहीं की जाती। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ना तो कोई RBI जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे सुपरवाइज करती है, देखती है, निगरानी रखती है, ना ही वो इस तरीके का बिहेव करती है औपचारिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र से लोन वाले लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो कि औपचारिक क्षेत्र में के लोन अगर हम लेते हैं, वहां से कितनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऑफकोर्स इतना तो क्लियर ही हो ही गया होगा कि हमें जो लोन लेना चाहिए वो हमें औपचारिक स्रोत से लेना चाहिए, अनौपचारिक स्रोतों से हमें लोन नहीं लेना चाहिए। यहीं पे हम देखें और भी रीजंस अगर दें हम कि हमें क्यों औपचारिक क्षेत्र से लोन लेना चाहिए, इसका डिफरेंशिएट पूछा जाता है। तो जो औपचारिक क्षेत्र होता है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं। यहाँ अलग अलग पॉइंट बना दिया गया, लेकिन ये एक ही पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि RBI क्या करता है, उसे देखता रहता है कि लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में देखे तो कोई संस्था नहीं है जो कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए, मतलब कोई भी संस्था ही नहीं है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र से कार्य प्रणाली पर नजर रखे। जैसे मैंने अपने दोस्त से लोन लिया, पैसे उधार लिया, तो क्या कोई RBI है जो उस पर नजर रखेगी? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अगला पॉइंट क्या बताता है कि अगर आप औपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको कम ब्याज दर पे लोन मिल जाता है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हो तो यहाँ पे अत्यधिक ब्याज दर होता है, यानी ब्याज दर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला, औपचारिक क्षेत्र में क्या दिया गया है, नियम और शर्तों का पालन होता है, बिल्कुल हर एक चीज जो रूल्स लॉज रेगुलेशन सब अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर नियम और शर्तों का पालन नहीं करते, बल्कि अपना ही नियम और शर्तें ये लोग बना लेते हैं कि 1 महीने में दे देना, 2 महीने में देना, हर हफ्ते में देना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। समर्थक ऋणाधार आवश्यक है, यानी इसके अंदर अगर आप ऋण ले रहे हो तो एटलीस्ट ये आप लोगों से समर्थक ऋणाधार मांगेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कुछ घर के कागजात अगर हैं तो वो बाइक के कागजात या कुछ भी इस तरीके की चीजों की डिमांड कर देंगे। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ये आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साहूकार से लोन लेने गया, वो मुझे जानता है तो मुझे पैसा ऐसे ही उधार दे देगा। इवन अगली बार भी मैं लोन लेने जाऊंगा तो मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी लोन ले रखा है, लेकिन मैंने वापस नहीं लौटाया। मैं बोल दूंगा कि एक और लोन लेने गया, मैंने बोला कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके मुझे वो दोबारा लोन दे सकता है अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन वहीं औपचारिक क्षेत्र के अंदर ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, होने को तो यहाँ पे भी हो जाता है लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर एक बार आपने लोन ले लिया है तो अगेन आपको लोन वापस अगेन दे, अभी क्योंकि पहला तो कंप्लीट नहीं हुआ, और दोबारा लोन लेने आगे तो कहेगा भाई पहला कंप्लीट करो। औपचारिक क्षेत्र में एक और चीजें बताई जा रही है कि अधिक दस्तावेज और कई कई सारी औपचारिकताएं, यानी अगर आप औपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हो तो बहुत सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पे साइन, फोटो वगैरह, और बहुत सारी औपचारिकताएं होती है जो बैंक वालों को करना पड़ता है, इवन कहीं जो भी संस्थाएं से आप लोन ले रहे हो अगर औपचारिक क्षेत्र में है तो। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में कम औपचारिकताएं और दस्तावेज, यानी यहाँ पे दस्तावेज, क्योंकि मैं साहूकार से लोन लेने गया, वो मुझे दस्तावेज नहीं मांगेगा मुझसे कि आप अपना आधार कार्ड लेके आओ, ये लेके आओ, यहाँ साइन करवाओ, ये फिल करो, फॉर्म फिल करो, ये ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे तुरंत ही लोन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने दोस्त से उधार लिया होगा तो उसने क्या कभी आपसे फॉर्म फिलअप करवाया? नहीं, उसने कहा आपको पैसे दे दिया। लेकिन अगर वही औपचारिक क्षेत्र से लोन लेने जाते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
अगर इसके साथ कुछ और भी पॉइंट आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर सकते हो। जैसे कि एक ये भी आप ये भी मन में आ सकते हैं, जैसे औपचारिक क्षेत्र के अंदर वो क्या कह सकते हैं ना, वो लड़ाई नहीं की जाती, वो आपको परेशान नहीं करते, पैसा आपको मतलब वो कंज नहीं कसा जाता, तंज नहीं कसा जाता कि आपको लोन दो दो, मतलब एक तरीके से ना परेशान नहीं करते, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर नहीं करते। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो साहूकार होता है अपने गुंडों को भेज देता है कि इनसे पैसा पैसा वसूल कर लो, नहीं अगर दे रहे तो इनके घर के सामान निकाल दो, बाहर तोड़ फोड़ कर दो, गाली गलौज कर दो, बहुत तरीके की वो चीजें कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज ये भी हो गया। और भी कोई चीज आप बताना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यहाँ पे एक डेटा को आपको देखना है, ये 2012 का डेटा लिया गया जो कि 1,000 ग्रामीण परिवारों का बताया गया कि 1,000 ग्रामीण परिवार हैं, गांव के मान लो 1,000 लोग हैं, और 1,000 लोगों ने उनका क्या सोर्स रहा लोन लेने का, मतलब कितने लोगों ने औपचारिक क्षेत्र से लोन लिया और किसने कितने लोगों ने अनौपचारिक क्षेत्र से। तो मैंने अनौपचारिक और औपचारिक की मैंने तो बता ही दिया था कि कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे सरकारी आ गई, औपचारिक में सहकारी समितियां, बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य औपचारिक क्षेत्र, ये सारे औपचारिक में आते हैं। तो कितना परसेंट हो गया, 25, 25, 50 और 55 और 1 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 यानी परसेंट जो लोग हैं वो लोन लेते हैं औपचारिक क्षेत्र से, और बाकी कितना बच गया, 44%। 44 अगर इनको ऐड करोगे 44 आएगा। 44% जो लोन लोग लेते हैं, ऋण लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि औपचारिक क्षेत्र से लोन लोग अभी भी ज्यादा लेते हैं, 56% आ रहा है, और 44% यानी अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हैं। ये डिफरेंस आपको भले लगे लेकिन एक्चुअल में बहुत ही गलत है, गलत अभी भी, क्योंकि 44% इसे कम नहीं माने जाएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी भी 44% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों पर डिपेंड है, रिश्तेदारों से, साहूकार से, जमींदार से, इन सब लोगों से वो लोन लेते हैं। इसका इसका एक्चुअली में होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तो हम इसका अच्छा मानेंगे। जैसे 10%, 5% लोग जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लें, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर दूसरे एक डेटा देखा गया है कि दूसरे डेटा में क्या बताया जा रहा है, ये जो शहर का दिया गया है, शहरी परिवारों का, कि शहर के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीला है वो अनौपचारिक का शो करता है और जो बैगनी है वो औपचारिक का शो करता है। तो 80 शहरों के अंदर 85% जो गरीब परिवार है वो कहाँ से लोन लेते हैं, अनौपचारिक से, और 50% जो लोग हैं वो औपचारिक स्रोतों से लोन लेते हैं। अगला सर्कल में क्या है, कम संपत्ति वाले परिवार, जिनके पास संपत्ति कम है, वो 53% जो लोन लेते हैं वो अनौपचारिक से लेते हैं, और 40% किससे लेते हैं, औपचारिक से। जो समृद्ध परिवार है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा वगैरह है, वो 72% जो लोग होते हैं वो ऋण लेने के लिए औपचारिक स्रोत का फायदा उठाते हैं, और 28% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हैं। जो अमीर परिवार है वो ज्यादातर जो ऋण लेते हैं, उधार पैसा लेते हैं, वो लेते हैं औपचारिक क्षेत्र से, और 10% ही ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक स्रोतों को चुनते हैं उधार लेने के लिए। तो इन दो डेटा में हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं वो उधार जो लेते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से उनका जो लगाव है, या फिर कह लीजिए उससे बहुत ही ज्यादा वो लोग लेते हैं, यानी साहूकार, दोस्त, इन सारी चीजों से ज्यादा लेते हैं, और इसका बहुत ही उनको बुरा फायदा भी मिलता है। जैसे कि बुरा फायदा इसका क्या होता है कि साहूकार क्या होता है कि उनसे ज्यादा ऋण वसूलता है, उनको परेशान करता है, और इवन कभी इवन इतना भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लोन तो ले लिया, लोन लेने का पर्पस क्या है, कि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, मान लेते हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव भी हुई, लेकिन ऋण चुकाने के लिए वो लोग इतना ब्याज दर बढ़ा देते हैं कि ऋण के भरते भरते उनकी इनकम जो होती है ना वो कम हो जाती है, यानी प्रॉफिट में से ज्यादातर हिस्सा वो अपना कर्ज भरने के लिए ही उनका चला जाता है, तो उनके पास बचता भी बहुत कम है। तो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेने के बहुत सारे घाटे हैं, अब इसमें किया क्या जाए। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, ये बेसिकली इसी का डेटा था। ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया ताकि समझने में, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि समझने में थोड़ा अच्छा हो, अब आपको समझ में आएगा।
अब इतना तो समझ में हमें आ चुका है कि अभी भी जो लोग हैं वो उधार लेने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पे डिपेंड है, खासकर गरीब परिवार जिनके पास कुछ ऋणा समर्थक ऋणाधार देने के लिए कुछ नहीं, मतलब जमा करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में देने के लिए कुछ नहीं, उनको तो और प्रॉब्लम होती है। ऋण की ऊंची लागत होने के कारण कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, कि ऋण की जो इतना ज्यादा ऊंची लागत हो जाती है, जो ब्याज दर होता है इतना ज्यादा हो जाता है कि जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें से भी उसका ज्यादा तो जो हिस्सा है वो उधार देने में ही चला जाता है। अब ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदार को अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे। यानी ऐसे में बैंक हो गई, सहकारी समितियां हो गई, इन लोगों को गांवों के अंदर या फिर शहरों के अंदर जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहां पे उनको अपनी ब्रांचेस बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, जिससे कि और इनको जिससे कि क्या होगा कि जो लोग होंगे वहां पे रह रहे वो इन औपचारिक स्रोतों का यूज करेंगे, बैंक का यूज करके, सहकारी समितियों का यूज करके उधार लेंगे, और उनकी जो डिपेंडेंसी है यानी जो वो पूरा जो डिपेंड अनौपचारिक क्षेत्र से है, साहूकार दोस्तों रिलेटिव से पे जो डिपेंड है वो कम हो जाएगा। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोतों के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि सभी लोगों को ऋण प्राप्त हो सके। यहाँ पे ऋण नहीं लिखा है तो ऋण ऐड कर लीजिए, सभी लोगों को ऋण प्राप्त हो सके। यानी मेन चीज यहाँ पर ये फोकस करना है कि आप ब्रांचेस तो खोल दो लेकिन आप लोन ही नहीं दे दो, ऐसा भी नहीं करना। ब्रांचेस खोल कर आपको इन लोगों को लोन भी प्रोवाइड करना है, भले ही कम करो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट करो, उनको खाली हाथ वापस मत भेजो। अगर वो ज्यादा की डिमांड करते तो कम से कम उनको इतना अमाउंट दे दो कि उनका काम चल जाए। अगला पॉइंट क्या आता है? सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी अगर सस्ता उधार, मतलब सस्ता एक उनको सही रेट पर उनको अगर उधार दिया जाएगा ना, जिसको पे भी कर पाए, उस पे ब्याज दर इतना नहीं बढ़ा दो कि वो दे ही नहीं पाए, ब्याज दर ही उनका बढ़ाना नहीं चाहिए, यानी उनको एक सही रीजनेबल रेट पे आप अगर उनको उधार दोगे, उस पे ब्याज दर कम लोगे, तो वो पर्सन अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा, अपना विकास वो खुद कर लेगा। जैसे वो फैक्ट्री खोलेगा, इवन फैक्ट्री खोलने के बाद एक मशीन फॉर एग्जाम्पल वो चला रहा है, या दो एक दो मशीन खरीद लिया, तो एक मशीन पे वो खुद बैठेगा, दूसरे मशीन पे किसी को हायर करके बैठा के काम करवाएगा। अब उसका जब बिजनेस ग्रोथ होगा तो उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं उधार के, तो उधार देश की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर छोटा छोटा लोन बहुत सारे लोगों को मिल जाए और वो उनकी जो ग्रोथ है ना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि उधार लेने से और क्या फायदे हो सकते हैं। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।